मुंगेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार दूसरे दिन RD&DJ कॉलेज परिसर में स्नातक सत्र 2022 से 25 के नामांकन शुल्क में बढ़ोतरी हेतु तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व विभाग संयोजक सन्नी कुमार ने किया। छात्रों को संबोधित करते हुए विभाग संयोजक सन्नी कुमार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों के सदैव तत्पर रहती है। यौम विश्वविद्यालय प्रशासन के तानाशाही रवैयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहती है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद का अनावृत आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मौके पर विश्वविद्यालय मीडिया संयोजक नचिकेता यादव ने कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय में ज़्यादातर छात्र सुदूर एवं पिछड़ा क्षेत्र में पढ़ते हैं। यह बात जानते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जबरन उनके ऊपर आर्थिक बोझ देना छात्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र विरोधी मानसिकता से बाज नहीं आती है तो विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय बड़े आंदोलन के रूप देगी। पूर्व महासचिव दिव्यांशु कुमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद द्वारा यह धरना छात्र हित में किया जा रहा था तथा सभी छात्रों को इस धरने में सहयोग की अपील किया। मौके पर जिला संगठन मंत्री दिनेश कुमार, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सुमित कुमार, अनुराग कुमार, सूरज कुमार, सौरव राणा, गौरव, विनय आदि मौजूद थे। कॉलेज बंद करवाया है और जो धरना दिया है क्या जी? स्नातक का 2020-22 जो सत्र है उसमें 22-25 जो सत्र है स्नातक का उसमें फीस वृद्धि है, जो कि पूर्व में 1200 रुपया था जो बढ़ाकर 2900 रुपया कर दिया गया है। उन सभी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन किए। आज हमारा दूसरा दिन है और मुंगेर विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले मुंगेर के जो 7 कॉलेज है जिसमें 6 कॉलेज बिहार महिला कॉलेज छोड़ के हम लोगों ने सभी कॉलेज को बंद करवाया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन चरणबद्ध अनवरत चलता रहेगा। किस लिए मतलब कौन सा जी? स्नातक का जो पार्ट वन है सत्र 22-25 जो है उसकी फी बढ़ोतरी को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया है, धरना दिया है। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार, विभाग संयोजक विद्यार्थी परिषद।